Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sawaz Alam and you are watching Ramadan Tutorial, your door to the future. आज के क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 11 के लिए कंपाउंड एंगल. क्लास 11 के कंपाउंड एंगल यानी कि ट्रिग्नोमेट्री सीरीज में ये थर्ड वीडियो है कंपाउंड एंगल. इससे पहले हम लोगों ने दो वीडियोस बना रखे हुए हैं. फर्स्ट में हम लोगों ने जो प्री रिक्विजिट्स है उनको डिस्कस किया था. सेकेंड में हम लोगों ने एसोसिएटिव एंगल्स को डिस्कस किया है. थर्ड वीडियो में हम कंपाउंड एंगल को स्टार्ट करेंगे और फोर्थ वीडियो में हम कंपाउंड एंगल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कंपाउंड एंगल से बिलोंग करते हैं, जिनके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना है, वो कंपाउंड एंगल से जो रिलेटेड चैप्टर है उनका क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया जाएगा. प्लस असाइनमेंट आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और असाइनमेंट के लिंक भी प्रोवाइड किए जाएंगे. वो इस वीडियो के एंड तक आपको कभी ना कभी जरूर प्रोवाइड कर दिया जाएगा. तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं कंपाउंड एंगल. कुछ बच्चे नए हैं, कुछ बच्चे हो सकता है वीडियो को भी आज पहली बार देख रहे हो, और जो हमारे ऑनलाइन क्लास चली है उसमें भी एक बच्चा नया बैठा हुआ है, तो उनके लिए मैं रेफरेंस दे देना चाहूंगा. इस वीडियो के दौरान आप लोग अब आई बटन पे जाइए, वहां पर आप लोगों को लिंक पॉपअप करेगा जो हमारे क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री का प्लेलिस्ट है. क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री के उस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए. वहां पर सीरीज वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सिक्वेंसली सारे वीडियोस को कीजिए, तब जाके आपको ये पूरी जो चैप्टर की प्रिपरेशन है वो वहीं से हो जाने वाली है. चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर कंपाउंड एंगल स्टार्ट करने वाले हैं तो सबसे पहले ये समझिए कि कंपाउंड एंगल होता क्या है, या ये वर्ड जो वर्ड यूज कर दिया गया कंपाउंड एंगल, इसकी कोई मीनिंग है भी या नहीं. तो देखिए, लिटरली मीनिंग होती है कंपाउंड की जब किसी चीज को एक से अधिक बेसिक चीजों को मिला के बनाया जाता है. मैं आप लोगों को थोड़ा केमिस्ट्री याद दिलाता हूं. केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. कहा गया हाइड्रोजन जो है वो एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन जो है वो एक एलिमेंट है, लेकिन कंपाउंड कब बना, जब वो H2O बना. केमिस्ट्री की इतनी सारी बेसिक बातें तो आप लोगों को पता होंगी, जिसको हम लोग तत्व और यौगिक के नाम से हिंदी में पढ़ के आए हुए हैं. तो कंपाउंड तब फॉर्म होते हैं जब मोर देन वन एलिमेंट एक साथ कंबाइन होता है. ओके, यहां पर एलिमेंट हमारे पास है एंगल्स. मैं आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स लिखता हूं. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एंगल चूज करता हूं ए, एक एंगल चूज करता हूं बी, और मैं लिखता हूं ए प्लस बी. तो दो एंगल्स को मैंने एक साथ लिखा, यह हमारा एक कंपाउंड एंगल. अगर मैं लिखूं a माइनस बी तो ये भी हमारा एक कंपाउंड एंगल है. अगर मैं लिखूं a प्लस बी प्लस सी तो ये हमारा एक कंपाउंड एंगल है. अगर मैं लिखूं a माइनस बी प्लस सी ये कंपाउंड एंगल है. इस तरह से दो, तीन, दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू. इफ यू आर टेकिंग एंगल्स टू और मोर देन टू एंड वी आर मेकिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट, दैट इज टर्म्ड एज अ कंपाउंड एंगल. तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड एंगल, यानी जो हमारे पास एंगल्स आने वाले हैं वो ऑलवेज इस तरह से दिखेंगे. मैं आपको एक बार प्री रिक्विजिट्स के बारे में और दोबारा जो प्री रिक्विजिट्स के बाद हम लोगों ने वीडियो सोर्स किया था एसोसिएटिव एंगल, उसके बारे में याद देना. किसी भी क्वेश्चन में, ना ही प्री रिक्विजिट्स में ना ही एसोसिएटिव एंगल में, एक साथ एक से ज्यादा एंगल आप लोगों ने देखा था. कंपाउंड एंगल इज द फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू सी मोर देन वन एंगल एट अ टाइम एंड ओवर वन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेस. आप लोगों ने साइन देखा था ए इज इक्वल्स टू मे बी कॉस बी, आप लोगों ने ये पढ़ा था साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस बी, ऐसा कुछ पढ़ा होगा. ए और बी दो एंगल देखे होंगे, लेकिन ए बी दोनों एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जैसे कि साइन या कॉस पर डिफाइंड नहीं देखा था. आज के क्लास में हम जब स्टार्ट करेंगे तो मैं लिखूंगा साइन और मैं लिखूंगा ए प्लस बी. क्या है ये ए प्लस बी, यानी कंपाउंड एंगल, और वो एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो. ये है इस चैप्टर की खासियत. आप कहेंगे सर हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ये देखा था, सो द डिफरेंस इज हियर यू कैन सी ए एंड बी टू एंगल्स आर देयर बट दे आर नॉट ओवर द सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो. इन दिस यू कैन सी दे आर ओवर वन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो. सो दैट इज द डिफरेंस फ्रॉम लास्ट चैप्टर्स. हम धीरे धीरे डेवलप करेंगे खुद को ट्रिग्नोमेट्री के बारे में. प्री रिक्विजिट्स में जो सीखा आप लोगों ने, उस वीडियो के बाद एसोसिएटिव एंगल में जो सीखा आप लोगों ने देखा अपने खुद को डेवलप किया. प्री रिक्विजिट्स में लास्ट चैप्टर था हमारा डिस्कशन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री को किस तरह से एसोसिएटिव एंगल में कन्वर्ट किया गया वो आप लोगों ने सेकंड वीडियो में देखा. थर्ड वीडियो में आज हम कंपाउंड एंगल सीख रहे हैं. कंपाउंड एंगल पे बेस्ड क्वेश्चंस के लिए हम लोग 4-5 वीडियोस बनाएंगे. इसके बाद जब हम उसके बाद वाले वीडियो में आएंगे तो हम इसे और डेवलप करेंगे. कंपाउंड एंगल से ज्यादा इसको डेवलप करने पर चीज जो कन्वर्ट होती है वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम्स इनटू प्रोडक्ट्स. वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे. नंबर ऑफ वीडियो मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि कंपाउंड एंगल के क्वेश्चंस को करने में हो सकता है मोर देन 2-3 वीडियोस लग जाए. तो बेसिकली कंपाउंड एंगल क्या होता है और किस तरह से वो दिखते हैं, किस तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे कि वो कंपाउंड एंगल है या नहीं, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इस एक्सप्रेशन को देखने के बाद. क्या कहते हैं, क्लियर हुआ है या नहीं? धीरेन, ओके धीरेन आज टेक्निकल इशू फेस कर रहे हैं. साहिल आप बताइए क्लियर हो गया कंपाउंड एंगल दिखने में कैसा होता है.
Will you be able to identify if I'll give you an expression whether it is compound angle or not? Dhiren ko clear ho gaya? Okay. Sahil, I'm not getting answer from you. Maybe he is facing some network issue. Okay. What about Rohit? Understood? Yes, sir. Surojit? Yes, sir. Mute. Now, let us just start the thing that we have to discuss. Sin of a plus b, ye hamare paas ek mathematical expression hai. Ab sawal uthta hai, sin of a plus b, isse hum kya kare? तो हम आज के चैप्टर में कंपाउंड एंगल में साइन ऑफ ए प्लस बी का एक फॉर्मूला पढ़ेंगे. फॉर्मूला बड़ा आसानी से है, एक बार में आपको याद हो जाएगा. साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. ओके, आप यहां पर देख रहे हो साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. अगर इसी तरह से अगर मैंने आपको फॉर्मूला लिख दिया साइन ऑफ ए माइनस बी का, ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, प्लस होने पर प्लस है तो माइनस होने पर माइनस होगा, टर्म्स यही रहेंगे. साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये दो फॉर्मूलाज है जो कंपाउंड एंगल के पहले दो प्रिलिमिनरी फॉर्मूलाज है. जिस तरह से साइन के ए प्लस बी और साइन के ए माइनस बी पे हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, इसी तरह से हम कॉस और टेन पे भी फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं और कॉट पे भी. तो मैं इस पर कॉस का फॉर्मूला, टेन का फॉर्मूला और कॉट का फॉर्मूला आज के क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, और दो ऐसे फॉर्मूलाज है जो इनसे क्रिएट किए जा सकते हैं उनके बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि वो हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. पहले इस फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करते हैं. ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा, सबसे पहला और जरूरी सवाल किसी भी मैथमेटिशियन के मन में आना चाहिए, क्यों साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्यों, कैसे, प्रूफ कीजिए. यस, बिल्कुल सही सवाल है. लेकिन चूंकि ये हमारे सिलेबस के स्कोप के बाहर है और इसे सिखाते वक्त मैं ऐसा कुछ भी प्रोडक्टिव चीज नहीं सिखा सकता जो आपके काम में आए एचएस के पॉइंट ऑफ व्यू से. डेफिनेटली कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स टिप्स यहां पर मिलते हैं जब मैं आपको इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दिखाऊंगा. लेकिन चूंकि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मुझे किसी भी तरह से WBCHSE यानी वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के केस में नहीं, सॉरी, हायर वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन WBCHSE की बात कर रहा हूं मैं, तो वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी हायर वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन में किसी भी तरह से ये हमारे काम में नहीं आने वाला क्वेश्चंस पे, बोर्ड क्वेश्चंस में, इसलिए मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूं. ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में आपको नहीं दिखा रहा हूं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन एज GI ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं, बस बोल रहा हूं कि आप ये फॉर्मूला याद रखो. इट साउंड्स लाइक बचपन में अगर आपको कोई बोलता था ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको सिखाया गया था याद कर लो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. किसी ने नहीं कहा कि ये फॉर्मूला आया कहां से, ये एक्सप्लेनेशन दो, ठीक है. आप लोगों को कहा गया ये फॉर्मूला रट लो, कुछ वैसा ही साउंड कर रहा है. मैं बिल्कुल भी ये फॉर्मूला रट लो, मैं हमेशा कहता हूं कि नहीं, आप लोग इस फॉर्मूला को सीखो, इसे समझो ये कैसे आया है. देयर आफ्टर जब आप सीख जाओगे तब उसे अप्लाई करना सीखो. इस केस में भी मैं यही कहना चाहता हूं, लेकिन चूंकि वो काउंसिल की तरफ से जो मतलब जो क्वेश्चन पेपर क्रिएट होगा उसमें इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं इसे स्किप कर जा रहा हूं फिलहाल, और मैं अपने मेन टॉपिक पे जो मेरा मेन कंसीडर है, जो मेरा मेन क्लास का मेन मोटो है, वो न खोता हूं खो बैठू, इसलिए मैं उसके पीछे और बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा हूं, सिंपली आगे बढ़ता हूं. साइन और साइन ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला ये याद रखो. इसके बाद साइन ऑफ अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला सीख गया हो तो इसी पर फॉर्मूला कॉस पे सीखते हैं. कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल सा फॉर्मूला है याद कर लीजिएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. फॉर्मूला को याद रखने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स. पहला, कॉस के फॉर्मूला में दोनों कॉस है दोनों साइन है, ठीक है. पहले आपको दिख रहा है कि ये दोनों ही टर्म कॉस है और ये दोनों ही टर्म साइन है. प्लस के फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस के फॉर्मूला में प्लस होगा और ये सेम चीजें होंगी. तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाने वाला है, कॉस ए माइनस बी. फॉर्मूला इस तरह से हम लिखेंगे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है. कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी ये दोनों हमारे पास हो चुके हैं. अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे साइन कॉस, हमारे पास दोनों फॉर्मूला का लिस्ट रेडी हो चुका है. अब हम पढ़ते हैं टैन के बारे में.
यहां से मैं कुछ कैलकुलेशन स्टार्ट करूंगा। याद रखिए साइन और कॉस का फॉर्मूला सिर्फ आप लोगों को याद करना है, इसके बाद पूरे ट्रिग्नोमेट्री में मैं कोई भी फॉर्मूला आपको याद करने के लिए नहीं दूंगा। जितने भी फॉर्मूला है उन सबके पीछे डेरिवेशन दिखाऊंगा और उस डेरिवेशन के बेसिस पर आप लोग सारा कुछ करोगे। अब टेन ऑफ ए प्लस बी से जब मैं फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करूंगा, हर एक फॉर्मूला का अपना कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन सीखिए। सिर्फ साइन और कॉस के फॉर्मूला को आपको याद करना। इतने दूर आप लोगों को मैंने दो फॉर्मूला याद करवाया, अब और कोई फॉर्मूला याद नहीं होगा। अब सबका कैलकुलेशन दिखाऊंगा, क्योंकि इनमें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है, इनमें कैलकुलेशन की जरूरत है, और ये कैलकुलेशन आपके काम में आएगा दूसरे क्वेश्चंस को बनाने में। देखिए मेरे पास दिया हुआ है टेन ऑफ ए प्लस बी और मुझे इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो मैं सिंपली लिखूंगा टेन ऑफ ए प्लस बी का, टेन को हम लोग लिख सकते हैं ना साइन ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये सब आप लोगों को पता होगा, सभी लोग जानते होंगे। अब हम एक काम करते हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला तोड़ते हैं। साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और डिवाइडेड बाई के बाद हम लिखते हैं कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला। फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सबसे पहली बात मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब इसके बाद आपको बस एक छोटी सी बात है जो आपके जहन में आपको रखनी पड़ेगी, वो ये है कि जो डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म है, डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म यानी कि ये, दैट नीड्स टू बी वन, उसे वन कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करें? कन्वर्ट करने का तरीका ये होगा कि उसे वन करने के लिए उसे डिवाइड कर देंगे, जो टर्म है उसी से डिवाइड कर देंगे। तो डिनोमिनेटर में मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, जो भी टर्म न्यूमरेटर में है उसके नीचे में इस टर्म से डिवाइड करूंगा। तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी प्लस, प्लस का मैंने कॉपी किया, अब इसके नीचे लिखूंगा, इसके नीचे मैंने ये लिखा, अब इसके नीचे लिखूंगा कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाई, कौन सा टर्म डिवाइड कर रहे हैं, कॉस ए कॉस बी। नीचे लिखते हैं टर्म है कॉस ए कॉस बी और इसे हम डिवाइड कर रहे हैं इसी टर्म से, कॉस ए कॉस बी से। माइनस है यहां पर डिनोमिनेटर में, उसे कॉपी करते हैं। टर्म है साइन ए साइन बी, उसे लिखते हैं साइन ए साइन बी, डिवाइडेड बाई है कॉस ए कॉस बी। चलिए करते हैं डिविजन प्रोसीजर। डिविजन प्रोसीजर के बाद हमारे पास क्या होने वाला है, देखिए साइन ए कॉस ए, ओके यहां कॉस बी कट जाएगा और साइन ए बाई कॉस ए बचेगा, यानी कि टेन ए प्लस मैंने कॉपी कर दिया। यहां ध्यान से देखिए कॉस ए और कॉस ए कैंसल हो जाएगा, बचेगा साइन बी बाई कॉस बी यानी कि टेन बी। यहां पर आप लोग देख पाओगे जो टर्म है न्यूमरेटर में वही टर्म है डिनोमिनेटर में, पूरा कैंसल होके वन, और मैंने बोला था इसी एम के साथ हमें शुरू करना है, तो यही आपको अपने ध्यान में रखनी है कि यहां पर वन होता है। अब यहां क्या होगा, यहां देखिए साइन ए बाई कॉस ए यानी कि टेन ए और साइन बी बाई कॉस बी यानी कि टेन बी, तो यहां मैं लिखूंगा टेन ए मल्टीप्लाइड बाई टेन बी। आपको क्या दिख रहा है, टेन ऑफ ए प्लस बी इज टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ए टेन बी। टेन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन ए टेन बी। आप बताइए मुझे ये क्वेश्चन, ये तरीका जो मैंने सिखाया, ये क्लियर हुआ या नहीं? साइन और कॉस के आइडेंटिटी के बाद, फॉर्मूला को सीख लेने के बाद, बाकी सारी चीजों के लिए जो हम लोगों को करना है फॉर्मूला यूज करना है, पिछले फॉर्मूलास को, साइन और कॉस के फॉर्मूला को, बाकी सारी चीजों पर हम उन्हीं फॉर्मूला को इस्तेमाल करके बाकी सब निकालेंगे, जैसे अभी मैंने टेन ऑफ ए प्लस बी निकाला। क्लियर हुआ या नहीं मुझे जानना जरूरी है। धीरेन मैसेज कीजिएगा, साहिल आप बताइए अनम्यूट करके, क्लियर हुआ या नहीं कैलकुलेशन, या कुछ और समझाऊं? I don't know what is the problem, why I'm not able to hear Sahil. Sahil, if you are saying something, maybe your mic is not connected or something like that, but you can unmute yourself. But I'm not able to hear you. Okay. Sahil, you also drop me a message. Till then, I would like to take a question from Rohit. Rohit, you tell me. धीरेन कहता है समझ आ गया, वेरी गुड धीरेन। सर समझ आ गया, बट एक बार और बता देते ना। यस डेफिनेटली नो इश्यूज, एक बार और बताते हैं। एंड अबाउट सुरोजित, समझ में आ गया, वेल डन।
ग्रेट। मैं बस ये कंफर्म करना चाहूंगा, कि आप लोगों को साइन और कॉस का फॉर्मूला याद है, क्योंकि आने वाले किसी भी फॉर्मूला में साइन और कॉस छोड़ के मुझे कुछ नहीं करना है। मैंने जब टेन का फॉर्मूला, साइन और कॉस के फॉर्मूला को छोड़ के कुछ फॉर्मूला याद नहीं करना, सब खुद ब खुद होने वाला है। जैसे इसमें देख रहे हो, टेन को मैंने लिखा साइन बाय कॉस, साइन और कॉस का फॉर्मूला ब्रेक किया और मेरे मन में एक ही चीज थी कि इस जगह पर डिनोमिनेटर का फर्स्ट जो है वो वन होगा। मैंने उसी टर्मिनोलॉजी से सबको डिवाइड कर दिया और मैंने वैल्यू कैलकुलेट। रोहित कहते हैं सर एक बार और बताइए, मैं क्या करता हूँ tan ऑफ a प्लस बी को और एक बार डिस्कस नहीं करके tan ऑफ a माइनस बी की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। चलिए अगले पन्ने में चलते हैं और tan ऑफ a माइनस बी कैलकुलेट करते हैं। मुझे कैलकुलेट करना है tan ऑफ a माइनस बी। वैल्यू हम क्या लिखेंगे आप लोग जानते हैं, सब लोग कहेंगे कि सर अब हम इसके बाद लिखेंगे साइन बाई कॉस, मतलब टेन को साइन बाई कॉस में स्प्लिट कर देंगे, तो साइन ऑफ a माइनस बी लिखेंगे डिवाइडेड बाई कॉस लिखेंगे a माइनस बी। अब आप कहेंगे सर साइन के फॉर्मूला को तो ब्रेक कीजिए और कॉस को भी उसके फॉर्मूला में ब्रेक कीजिए। साइन ऑफ ए माइनस बी के फॉर्मूला में होगा साइन ए कॉस बी, फॉर्मूला याद होगा माइनस कॉस ए साइन बी। आपको पता है माइनस के फॉर्मूला में माइनस होता है साइन में, कॉस में उल्टा होता है। कॉस ऑफ ए माइनस बी स्प्लिट करेंगे, फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। आपको फॉर्मूला का वो पार्ट याद आ रहा होगा। इसके बाद डिनोमिनेटर का जो टर्म है वो होना चाहिए वन। डिनोमिनेटर का जो टर्म है वो वन करने के लिए पूरे टर्मिनोलॉजी को वन से डिवाइड करेंगे। चलिए पूरे टर्मिनोलॉजी को कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करेंगे। यहां करते हैं, हमारे पास टर्म क्या है साइन ए कॉस बी, और किससे डिवाइड करेंगे कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करेंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस हमारे पास है कॉस ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, इसे हम किससे डिवाइड करेंगे कॉस ए कॉस बी से, कॉस ए कॉस बी से। हमारे पास यहां है कॉस ए कॉस बी, हम इसे डिवाइड करेंगे कॉस ए कॉस बी से, हम सबको कॉस ए कॉस प्लस, यहां पर हमारे पास है साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, इसे भी हम डिवाइड करेंगे कॉस ए कॉस बी से। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, पिछले क्वेश्चन में बिल्कुल यही चीज हम करके रखे हुए थे। कैलकुलेशन करते टाइम इस टाइम मैं रेडिंग का इस्तेमाल करता हूं, पिछले बार नहीं इस्तेमाल करने की वजह से मे भी आप लोग समझ नहीं पाए होंगे। कॉस ए सेम टर्म है तो ये हो गया साइन ए बाई कॉस ए, यानी कि टेन ए। यहां आप देखिए, यहां आपको दिख रहा है कॉस ए सेम टर्म है तो यहां साइन बी बाई कॉस बी यानी कि टेन बी। ये दोनों ही कॉस ए कॉस बी है, कॉस ए कॉस बी है, पूरा कट के वन, यहां कुछ नहीं कटेगा। तो क्या हो गया कैलकुलेशन के बाद, ये हो गया टेन ए माइनस है तो माइनस, ये हो गया टेन बी, ये हो गया वन प्लस, ये आपको दिख रहा है टेन ए टेन बी, टेन ए टेन बी। अब आप लोग कहेंगे ओके टेन ए माइनस टेन बी बाई वन प्लस टेन ए टेन बी, ये हो गया फॉर्मूला टेन ऑफ ए माइनस बी, टेन ऑफ ए माइनस बी। दैट्स इट, ये है फॉर्मूला। पहला सवाल मन में, सर ये फॉर्मूला डेरिवेशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या काम में आने वाला है? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बनाते वक्त आपको इस तरह के कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। जैसा मैंने कैलकुलेशन बताया ना, टेन को साइन बाय कॉस में स्प्लिट करना, फॉर्मूला में ब्रेक करना, इस तरह की चीजें आपको क्वेश्चंस में करनी पड़ेंगी। तो क्वेश्चंस को करने का जो एक रूट होता है ना, वो रास्ता जो होता है सवाल बनाने का, वो मैंने आपको सिखाया कि क्वेश्चन अगर टेन में दिया हुआ है तो आप उसको इस रास्ते से बना सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, क्या हम फॉर्मूला याद करके डायरेक्ट क्वेश्चंस को नहीं बना सकते? बिल्कुल, ये क्वेश्चन आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर क्या हम क्वेश्चन के फॉर्मूला को याद कर लेंगे कि tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला ये होता है, tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है, साइन और कॉस तो याद कर ही रहे हैं, उसी तरह से बाकी सबको कर लेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं। लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग कि एट द एंड ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री यू आर गोइंग टू हैव मोर देन अप्रोक्सिमेटली 100 और 150 फॉर्मूलास। सारे फॉर्मूलास को याद रखना आसान है क्या? लेट मी टेल यू एज अ टीचर, आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 7 to 8 ईयर्स, स्टिल आज भी मुझे सारे फॉर्मूलास याद नहीं है, बट if you'll ask me the formulas I will be able to tell you. Why? What is the difference? The difference is मैं ये सारे जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा चीज मैं कैलकुलेशन करके फॉर्मूला निकाल के बोल सकता हूँ, और कैलकुलेशन मैंने इतनी बार कर रखी हुई है कि मैं बहुत फ्लुएंट हो गया। लेट मी जस्ट टेल यू, जब मुझसे कोई tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला पूछता है, मुझे बस कुछ ये स्ट्रक्चर याद है, और मेरा मेन कंफ्यूजन मुझे जो होता है साइन का, माइनस होगा या प्लस, ऊपर में प्लस या नीचे में प्लस, ठीक है? ये जो कंफ्यूजन है ये नहीं समझ आता, इसे दूर करने का मेरा क्या तरीका है मैं आपको समझाता हूँ।
मुझे फॉर्मुला बोलना है टेन ऑफ ए माइनस बी का, तो मैं सोचता हूँ कि टेन ऑफ ए माइनस बी यानी कि साइन बाय कॉस करेंगे, साइन में लिखेंगे ए माइनस बी। साइन जब माइनस होता है तो फॉर्मुला में ऊपर में क्या होता है माइनस, साइन में जब माइनस होगा तो ऊपर फॉर्मुला में होगा माइनस, ये माइनस ही ना फाइनली आता है यहां पर। तो मैं क्या सोचता हूँ इस तरह से टेन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मुला मुझे बोलेगा, मुझे ये लगभग ये स्ट्रक्चर याद है, टेन ए प्लस होगा या माइनस पता नहीं, टेन बी बाय वन, अगर यहाँ प्लस है तो उसका उल्टा साइन देना है, टेन ए टेन बी लिखना है। तो ये स्ट्रक्चर याद है लेकिन ये साइन याद नहीं आता, और साइन मैं कंफर्म करता हूं इस फॉर्मूला से, टैन होता है साइन बाय कॉस, साइन में होता है माइनस, तो माइनस होने पर माइनस होगा, यानी ऊपर में माइनस है तो पूरा माइनस होगा। पिछले वाले फॉर्मूला में जाइए जो मैंने आपको पिछले वाले पन्ने पे करवाया, इस वाले में क्या दिख रहा है, टैन ऑफ ए प्लस बी का जब फॉर्मूला मैंने ब्रेक करवाया तो आपको दिख रहा है टैन साइन बाय कॉस में ब्रेक होता है, साइन का प्लस होता है, साइन में यहाँ प्लस होगा तो क्वेश्चन में भी यहाँ लास्ट में फाइनली प्लस ही आएगा, जिसके बेसिस पर हम लोगों ने टैन ऑफ ए प्लस बी का पूरा फॉर्मूला देखा। Isn't it a very easy thing कि आपने एक रेफरेंस को यूज करके दूसरा क्वेश्चन बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरह की चीजों को समझना और जानना, ये कैलकुलेशन समझना। मैं चाहूं तो सिंपली एक लिस्ट बना के आपको दे दूं कि कंपाउंड एंगल में हमारे पास ये लिस्ट है और इस लिस्ट के बेसिस पे जितने क्वेश्चन बनेंगे हम लोग बनाएंगे। नो, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। वी आर गोइंग टू लर्न एवरीथिंग दैट व्हाई एवरीथिंग इज देयर, एंड सेम थिंग गोज फॉर साइन एंड कॉस ऑल्सो, बट आई हैव नॉट एक्सप्लेन जस्ट बिकॉज दे आर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट डन। Otherwise, I should have done it, okay? But I have skipped it just because of the fact that sine and cos can be demonstrated only using geometrical interpretation, not by this analytical method. That's why I have not done it. समझ आ रहा होगा? I hope कि आपको मेरी point clear हो रही होगी। तो tan को जब मैंने देखा कि analytically कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर किया। tan के बाद जब मैंने देखा कि मुझे पास tan को a plus b के बाद बच्चों को थोड़ी clarity नहीं है तो मैंने cot भी करके दिखा, tan के a minus b को भी करके दिखाया। बिगनिंग ऑफ द क्लास में मैंने बोला था कि मैं साइन का फॉर्मुला सिखाऊंगा, कॉस का फॉर्मुला सिखाऊंगा, टैन का सिखाऊंगा और कॉट सिखाऊंगा। तो मैंने आपको साइन कॉस और टैन एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं आपको ले चलता हूं कॉट के फॉर्मुला डेरिवेशन की तरफ। कॉट का फॉर्मुला डेरिवेशन, चलिए मैं सबसे पहले फॉर्मुला लिख देता हूं, एक्चुअली आई नीड टू चूज पेन। ओके, तो मैं लिखता हूं कॉट ऑफ ए प्लस बी। आपको पता है ना ये फॉर्मुला कैलकुलेशन बिल्कुल उसी तरह से होगा जिस तरह से पहले सीखे थे। कॉट को हम लोग लिखेंगे कॉस बाय साइन, कॉस ऑफ ए प्लस बी बाय साइन ऑफ ए प्लस बी। मैं यहां पर कुछ कैलकुलेशन स्टेप स्किप करूंगा और सिंपली फाइनली कंक्लूजन पे जंप कर जाऊंगा। कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मुला आप सबको याद है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। धीरेन का कोई क्वेश्चन है, धीरेन अपने क्वेश्चन को टाइप कर दीजिए, हम स्क्रीन पे देख लेते हैं फिर आपके क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाई, साइन का फॉर्मुला लिखते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हो गया, फॉर्मुला आप लोगों ने देख लिया। फॉर्मुला देखने के बाद हमारे पास नेक्स्ट थिंग क्या है, तो आपको साफ पता है कि हम लोग इसमें किसी एक चीज को डिवाइड करेंगे। टैन के केस में मैंने बोल दिया था आप लोगों को कि याद रखिएगा जब टैन स्टार्ट करेंगे तो टैन में हमेशा डिनोमिनेटर का पहला वन होता है। कॉट के केस में डिनोमिनेटर का पहला नहीं बल्कि न्यूमिनेटर का दूसरा, यानी कि ये जो टर्म है ये टर्म हमारा होगा वन। इस टर्म को वन करना पड़ेगा, यानी इसी टर्म से सबको डिवाइड करना पड़ेगा, और इस टर्म को सबसे डिवाइड करने के बाद जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेशन किया गया था बिल्कुल उसी तरह से कैलकुलेशन प्रोसीड कीजिएगा। मैं सिंपली फॉर्मूला लिख देता हूं क्या आने वाला है। तो हमारे पास फॉर्मूला आने वाला है कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा, ये वन हो जाएगा। पहले होगा कॉट बी फिर होगा कॉट ए, पहले होगा कॉट बी उसके बाद प्लस है फिर होगा कॉट ए। और इसी तरह से अगर हम लोग कॉट ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला डेरिवेशन करेंगे, cot of a minus b का फॉर्मुला डेरिवेशन बिल्कुल सेम वे में प्रोसीड कीजिएगा। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आने वाला है cot a cot b, माइनस है तो प्लस वन हो जाएगा, और नीचे में cot b माइनस cot a आने वाला है। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, न्यूमिनेट यहां डिनोमिनेटर में cot b cot a को आप cot a प्लस cot b लिखिए, लेकिन यहां आप नहीं लिख सकते क्योंकि एडिशन कम्यूट करता है, कम्यूटेटिव होता है, लेकिन सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता, इसलिए इस बात को आप याद रखोगे और यहां पर प्लस करोगे लेकिन यहां माइनस करना पड़ेगा। जी धीरेन बताइए। ओके, धीरेन तो बोल नहीं पाएंगे, मैं उनका क्वेश्चन माइक देख लेता हूं स्क्रीन पर उन्होंने क्या क्वेश्चन लिखा है। धीरेन का क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, टैन को उल्टा नहीं कर सकते तभी तो आएगा कॉट। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन मुझे लगा, बहुत ही अच्छा लगा सुन के कि ये क्वेश्चन आपने पूछा। अगर आपके पास टैन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है तो क्या हम इसे उल्टा नहीं कर सकते, उल्टा करके कॉट नहीं फाइंड आउट कर सकते? ओके, यस यू कैन, लेकिन एक लिमिटेशन है। देखो दोस्त, साइन को अगर आप टैन को सिर्फ उल्टा कर दोगे तो यहां टैन का वन बाई कॉट करोगे, टैन को करोगे तो कॉट होगा तो वन बाई हो जाएगा,
जब यहां करोगे तो यहां भी करना पड़ेगा ना, इन सब टर्म्स को भी करना पड़ेगा क्योंकि आंसर पूरा पॉट में लाना है। और हाँ, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको सही आंसर ही मिलेगा और जो आप चाह रहे हो ना, जो फॉर्मूला आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन एक ही प्रोसीजर से जब दोनों बन जाएगा तो फिर अलग से एक नया प्रोसीजर सीखने की क्या जरूरत है। इसलिए मैंने उस मेथड का इस्तेमाल नहीं किया। मुझे बहुत अच्छा लगा धीरे ने बहुत एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा कि सर टैन को उल्टा करके कॉट नहीं निकलेगा, तो टैन को उल्टा करने पर सिर्फ आप लेफ्ट हैंड साइड को नहीं कर सकते, आपको लेफ्ट हैंड साइड के साथ साथ राइट हैंड साइड के टर्म्स को भी उल्टा करना पड़ेगा और वो कैलकुलेशन आई थिंक इससे इजी नहीं होगा जो हम लोगों ने सीखा है। ठीक है, ये कैलकुलेशन ज्यादा इजी है। तो कॉट ऑफ ए प्लस बी और कॉट ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मुला भी आप लोग सीखो। मैंने आपको कहा था बिगनिंग ऑफ द क्लास में कि आज के चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं साइन कॉस टैन का फॉर्मूला, सीख चुके हैं और कॉट भी था सीख चुके हैं। कंपाउंड एंगल क्या सिर्फ दो लेकर ही बन सकता है या हमारे सिलेबस में दो लेकर ही है? आंसर है नहीं। कंपाउंड एंगल हम मोर देन टू यानी थ्री के साथ भी डिस्कस करेंगे और थ्री हमारा लिमिटेशन है, हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, मेनली हम डिस्कस करेंगे वन टू, वन तो हम लोगों ने पहले कर रखा हुआ है तो स्टार्ट करेंगे टू एंड कर देंगे थ्री पे, टू और थ्री पे, यानी कंपाउंड एंगल जिसमें दो टर्म्स हो या कंपाउंड एंगल जिसमें तीन टर्म्स हो वही हमारा लिमिटेशन है। तो टू टर्म्स के साथ हो गया हमारे पास कैलकुलेशंस पॉसिबल, जितनी चीजें हम लोगों को सीखने थी। अब मैं आपको थ्री टर्म्स के साथ सिखा देता हूं। तो थ्री टर्म्स के साथ जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो कुछ क्वेश्चंस मैं जस्ट एग्जांपल चूज करता हूं, हमारे पास आ सकता है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ओके, फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला के लिए आप लोगों को बस एक बचपन का छोटा सा कंसेप्ट मैं याद दिलाना चाहूंगा। जब बचपन में आप लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर सिखा दिया गया था तो क्या आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? दो टर्म के साथ करवा के तीन पूछा था ना, कैसे करते थे? आपको पता था कि इसका फॉर्मूला a स्क्वायर होता है, यानी पहला टर्म और दूसरा टर्म का स्क्वायर। तो इसमें आप पहला टर्म पूरा इसको कंसिडर कर लो, याद आता था a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग पूरा कंसिडर करते थे, फिर लिखते थे टू इंटू ए प्लस बी इंटू सी और इसे सी लिखते थे सी स्क्वायर, यानी कि इसे पहला टर्म इसे दूसरा टर्म कंसिडर करते थे। बिल्कुल वही चीज यहाँ पर भी करने वाले हैं हम, इसमें ए प्लस बी को ही पहला टर्म कंसिडर कर लेंगे और सी को दूसरा। तो अगर ए प्लस बी को पहला कंसिडर करें और सी को दूसरा, तो हम लोग क्या लिखेंगे? साइन, इसे ए और इसे बी मानिए, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर हुआ? अब इसके बाद साइन ऑफ ए प्लस बी का जो फॉर्मूला स्प्लिट करते हैं उसे कर देते हैं। साइन ऑफ ए, ओके, साइन ऑफ ए लिखने की जरूरत नहीं थी, साइन ए लिखने से ही हो जाता। कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और बाहर में क्या मल्टीप्लाइड था? कॉस सी, तो कॉस सी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर भी एक कॉस सी लिख देंगे मल्टीप्लाई करके और यहां पर भी एक मल्टीप्लाई करके कॉस सी लिखेंगे। इसके बाद कॉस का फॉर्मूला ब्रेक करेंगे, प्लस के बाद कॉस का फॉर्मूला ब्रेक करेंगे, होगा कॉस ए कॉस बी, उस पर साइन सी मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस साइन ए साइन बी, उस पर मल्टीप्लाई हो रहा है साइन सी। चार टर्म आ गए, एक दो तीन चार, यही आपका आंसर हो गया, मतलब यही हो गया आपका फॉर्मूला। अब आपसे कहा जाए, अब अगर आप ये पूछा जाते हैं क्या सर यहाँ प्लस की जगह पे माइनस नहीं दे सकता या यहां पर प्लस की जगह पे माइनस नहीं दे सकता, ये सारी चीज आप लोगों ने सीख रखी है। यहां माइनस देगा तो यहां माइनस होगा, यहां अगर माइनस दे दिया तो इस जगह पर माइनस होगा, आप लोगों ने ये सीख रखा हुआ है, राइट? तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों के साथ आप लोग डील कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी सिखा चुका हूं तो इसी तरह से आप साइन ऑफ ए माइनस बी प्लस सी भी निकाल सकते हैं, साइन ऑफ ए माइनस बी प्लस सी, ये सब निकाल सकते हैं। ये आपके क्वेश्चंस में बेस्ड है, ठीक है, ये फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, ये क्वेश्चन बेस्ड है। जिस तरह से मैंने साइन सिखाया इसी तरह से कॉस और टैन पर भी क्वेश्चन फॉर्मूलाज हमारे पास है। आप इन सारे लिस्ट को, जो चीजें सिखाई गई है आज के क्लास में आपको, उन सारे लिस्ट को आप चाहे तो एज अ फॉर्मूला याद कर लो, या फिर मैं सजेस्ट करूंगा, जो मेरा पर्सनल सजेशन होता है, इन सबके क्वेश्चन का मेथड सीख लो, क्योंकि ये मेथड आपके बहुत काम में आने वाला है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं कैंडिडेट से क्वेश्चंस लेना चाहूंगा, जो चीजें समझाई गई है वो कैंडिडेट्स को समझ में आई है। यानी पहले धीरेन, आप अपना कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो लिख दीजिए, और अगर नहीं है तो लिख दीजिए कि आई हैव नो डाउट। साहिल, मैं आपसे क्वेश्चन लेना चाहूंगा, आई डोंट नो वेदर यू विल बी एबल टू से एनीथिंग और नॉट। साहिल, अगर आप अनम्यूट करके कुछ कहना चाहते हैं तो। हेलो सर। यस, आई कैन हियर यू नाउ। हेलो। यस साहिल, आई कैन हियर यू। हाँ सर, अंडरस्टैंड, समझ में आ गया सर, सब कुछ समझ में आ गया। हाँ सर। ओके, इम्प्रेसिव, क्योंकि स्टार्टिंग के फर्स्ट क्लास में जहां पर ऑलरेडी आपने दो क्लास मिस कर दिया हुआ है, उसके बाद इस क्लास में आप सब कुछ समझ गए हो, इट्स रियली वेरी इम्प्रेसिव, बहुत अच्छी बात है।
रोहित आप बताइए कैसा लगा, सब कुछ समझ आया या कोई डाउट है अभी? रोहित क्विकली। हाँ सर समझ आई है सर। ओके ग्रेट। सुरजीत सर एक बार और समझा दीजिए ना। कौन सा पार्ट सर? फर्स्ट का ही, मतलब ऊपर में। सॉरी मतलब हमको सर ये फर्स्ट पार्ट ही सर, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया सर ये जगह कुछ भी। ओके म्यूट योरसेल्फ। चलिए सुरजीत के लिए हम एक बार पूरा रिवीजन भी करवा देते हैं और उसे बता भी देते हैं, उससे पहले धीरेन को देख लेते हैं। सर लास्ट में क्या है, आप कुछ समझे नहीं आ रहा है, लास्ट पार्ट समझा दीजिए। ओके लास्ट पार्ट के लिए धीरेन भी पूछना चाह रहे हैं और सुरजीत भी लास्ट पार्ट के बारे में पूछ रहे हैं। लास्ट पार्ट आई थिंक आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये जो हम लोगों ने साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का कैलकुलेशन किया। इनकेस आप लोगों को समझ में नहीं आया, मैं काम करता हूं, मैं कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मुला डिराइव करवाता हूं। अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होगा, चलिए प्लस नहीं मैं कंपाउंडिंग में माइनस इंट्रोड्यूस करता हूं, माइनस का फॉर्मूला निकालता हूं। ठीक, तो आप सबसे पहले एक काम करो, इसे एक और इसे दूसरा मान लो। अगर ये आपका एक है ये दूसरा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारा कॉस ए है ये हमारा बी है, ए माइनस बी। ठीक है, इसको मान लीजिए एक्स इसको मान लीजिए वाई, तो हम क्या लिखेंगे कॉस एक्स कॉस वाई, यही ना लिखेंगे। कॉस में क्या लिखेंगे, पहले एक्स को लिखेंगे, ठीक है, और एक्स की जगह पे हमारे पास क्या है ए प्लस बी, और फिर हम लिखेंगे कॉस वाई, कॉस वाई की जगह पे हमारे पास सी है। माइनस होने पर फॉर्मूला में प्लस होता है ना, प्लस हम लोगों ने दिया इस माइनस की वजह से। इसके बाद क्या होगा, कॉस पर ए प्लस बी जब करते ए माइनस बी करते हैं तो पहले कॉस कॉस फिर साइन साइन लिखते हैं, तो लिखते हैं साइन ए प्लस बी और उसके बाद लिखते हैं साइन सी। समझ आया सुरजीत, समझ आया ये चीज, ये लाइन? हाँ सर। ओके म्यूट। अब कॉस ऑफ ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है और साइन ऑफ ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है उसे स्प्लिट कीजिए और उस पर कॉस सी का मल्टीप्लीकेशन कीजिए। कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, और ब्रैकेट के बाहर में कॉस सी है तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इसमें कॉस सी मल्टीप्लाई किए तो कॉस सी हो गया, इसमें मल्टीप्लाई किए तो कॉस सी हो गया। प्लस है तो मैं प्लस रखूंगा, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला स्प्लिट करूंगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और ब्रैकेट के बाहर में है साइन सी तो साइन सी का मल्टीप्लीकेशन इसमें भी होगा, साइन सी का मल्टीप्लीकेशन इसमें भी होगा। यहां पर एक दो तीन चार टर्म्स आए हैं और यहाँ एक माइनस है, बाकी सब प्लस है। पिछले वाले फॉर्मूला से कोई कंपैरिजन नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीजें चेंज की है, जैसे कि माइनस इंट्रोड्यूस किया है, यहाँ कॉस इंट्रोड्यूस किया है। आप चाहो तो यहाँ पर माइनस करके भी क्वेश्चन को बना सकते हो। अब सुरजीत बताओ क्लियर हुआ, धीरेन कमेंट कीजिए कमेंट क्लियर हुआ या नहीं। हाँ सर क्लियर होगी। धीरेन क्विकली ओके। तो बेसिकली इतने दूर तक आप लोगों को सारी चीजें समझ आ गई और यही हमारे क्लास का आज का फाइनल चीज था। हम लोगों को इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं करना था, यही चीजें थी जो हम लोगों को जाननी थी समझनी थी, और आज का हम लोगों ने पूरा क्लास उन जिन चीजों को सीखा है, चलिए एक बार उन सबको क्विकली रिकैप करके क्लास एंड करते हैं। हम लोगों ने जाना सबसे पहले कंपाउंड एंगल क्या होता है, तो हम लोगों ने जाना कंपाउंड एंगल का मतलब होता है जब मोर देन वन एंगल्स को एक साथ प्लस माइनस करके लिखा जाए। ये पॉसिबिलिटी टू और थ्री के साथ हमारे सिलेबस में है, ये हम लोगों ने थोड़ी देर बाद जाना था, लेकिन टू या थ्री के साथ डिस्कस हो सकता है। लेस देन टू यानी कि वन हम लोगों ने पहले कर लिया है, तो दो एंगल्स देंगे, दो एंगल्स को कंपाउंड करके देगा या फिर तीन एंगल्स को कंपाउंड करके देगा। हम लोगों ने फॉर्मूला जाना साइन का, हम लोगों ने फॉर्मूला जाना कॉस का। साइन और कॉस का फॉर्मूला हमें जानना ही था और इन दोनों फॉर्मूलास को हमें रखना है याद। उन दोनों भी मैं नहीं कहूंगा क्योंकि दो दो करके चार फॉर्मूला होते हैं, लेकिन दोनों का एक ही फॉर्मूला याद करने पर आप दूसरे फॉर्मूला को खुद ब खुद डिराइव कर सकते हैं। अगर आपको यह फॉर्मूला पता चल गया तो हम लोगों ने जाना टैन का फॉर्मूला। टैन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला के लिए हम लोगों ने टैन को साइन बाय क्रॉस में ब्रेक किया, साइन को स्प्लिट किया, कॉस को स्प्लिट किया। एम हमारे मन में था यहां पर, यानी कि डिनोमिनेटर का फर्स्ट टर्म जो है वो वन होता है, यानी कि उसी से सबको डिवाइड करना है, जिसके बेसिस पे मैंने ये किया। मैंने आपको ये भी बताया कि कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि आपको ये पूरा स्ट्रक्चर याद रहता है कि टैन ऑफ ए प्लस बी में टैन ए प्लस टैन बी बाय टैन ए वन माइनस टैन ए टैन बी होता है, लेकिन प्लस माइनस में कंफ्यूजन होता है। तो इसको दूर करने का तरीका यह है कि आप ये सोचिए कि टैन में पहले क्या होता है, न्यूमिनेटर में होता है साइन, साइन में साइन क्या होता है ए प्लस बी। तो अगर आप टेन ऑफ ए प्लस बी कर रहे हो यानी न्यूमिनेटर में साइन ऑफ ए प्लस बी है, साइन ऑफ ए प्लस बी के बीच में क्या होता है प्लस, प्लस में फॉर्मूला क्या स्प्लिट होगा प्लस, तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। ये एक एनालिटिकल थिंकिंग आपको डेवलप करने में मदद करेगी। इसी तरह से टेन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला डेरिवेशन मैंने सिखाया और उसके बाद मैंने आपको कॉट ऑफ ए प्लस बी और कॉट ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला दिखाया। कॉट ऑफ ए प्लस बी के साथ फॉर्मूला में यह है कि जैसे टेन में न्यूमिनेटर का फर्स्ट होता है, कॉट में डिनोमिनेटर का टेन में डिनोमिनेटर का फर्स्ट होता है, कॉट में न्यूमिनेटर का सेकेंड होता है वन।
आप लोगों ने कर लिया एंड देयर आफ्टर अगर आप लोगों ने इन सब चीजों को फिनिश कर लिया है तो फाइनल जो चीज था हम लोगों ने तीन एंगल के साथ कंपाउंड करके साइनल कॉस्ट का फॉर्मूला देखा। ये कंपाउंड किसी भी तरह से फॉर्म किया जा सकता है। किताब के सिलेबस किताब में जो चीजें दी गई है वो सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी करके दिया गया है प्लस के साथ। आप इसको ए प्लस बी माइनस सी ए माइनस बी प्लस सी किसी भी तरह से कंपाउंड करके तीन एंगल्स का फॉर्म कर सकते हो और उसको सॉल्व भी कर सकते हो क्योंकि मैंने आपको पूरा जो प्रोसीजर है वो सिखा दिया है। आई होप कि आप बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे इस चीज के साथ। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो कांग्रेचुलेशन, आपने कंपाउंड एंगल के सारे बेसिक्स को सीख लिया है। हम मिलेंगे अपने अगले क्लास में जहां पर हम अपने कंपाउंड एंगल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये था हमारा आज का क्लास। आप देख रहे थे रमजान ट्यूटोरियल। मैं हूं मोहम्मद साहब आजम। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।